देखिए, आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन से राशन कार्ड का संख्या पता कर सकते हैं। यानी हर राशन कार्ड का एक आरसी नंबर होता है, वो आप कैसे मालूम कर सकते हैं। कहीं आपको जाना नहीं, आप अपने मोबाइल फोन से ही राशन कार्ड का संख्या प्राप्त कर सकते हैं। जब आपको राशन कार्ड का संख्या यानी आपको आरसी नंबर पता होता है, तभी क्या होता है कि आप राशन कार्ड का डिटेल्स पता कर सकते हैं। यानी आप राशन कार्ड का डिटेल्स यानी कौन से मंथ में कितने हमें अनाज दिए जाएंगे, पिछले मंथ में हमें कितना अनाज मिला था, कौन से व्यक्ति ने जाकर के उठाया था, उस तमाम सारी जानकारी आपको आरसी नंबर पता होता है तभी आप मालूम कर पाते हैं। आपको कितने सदस्य यानी राशन कार्ड में आपको कितने सदस्य को जोड़ा गया है, उन सारी जानकारी को कैसे मालूम करना, तो जब आपको राशन कार्ड का आरसी नंबर मालूम होता है तभी आप कर पाते हैं। अगर आपको राशन कार्ड का आरसी नंबर मालूम नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। कितने लोग का आधार से लिंक हो गया, जैसे कि राशन कार्ड में मान के चले 6 सदस्य है, तो आपको 6 सदस्य का आधार लिंक हुआ या नहीं आप कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आधार लिंक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो वही आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि राशन कार्ड का आरसी नंबर कैसे मालूम कर सकते हैं। जैसे कि हमने पीछे के वीडियो में भी बोला था कि जिसमें हमने ये बताया था कि राशन कार्ड के आरसी नंबर से अपने पूरे डिटेल्स को बताया था कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे कि राशन कार्ड में कितना ये जो होता है कि राशन कितना आया, कितना दिया गया, अप्रैल में कितना आया, मई में कितना आया, कौन से व्यक्ति ने उठाया, उन सारी जानकारी हम आपको आरसी नंबर से ये थ्रू हमने पीछे के वीडियो में बताया था कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक उसका दे दिए हैं। तो वही आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आप अपने मोबाइल फोन से आरसी नंबर कैसे जान सकते हैं। तो इसके लिए तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको प्ले स्टोर पर जाना होता है। चलिए हम यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होता है। तो चलिए हम एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर सर्च कर लेना होता है मेरा राशन। ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सिंपली सर्च कर लेना होता है मेरा राशन। सेकंड नंबर में आपको ऑप्शन दिख जाए होंगे मेरा राशन, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। मेरा राशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक इंस्टॉल का ऑप्शन दिख जाएंगे। मेरे में यहाँ पर इंस्टॉल है तो ओपन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद सिंपली इसे ओपन करना है। ओपन कीजिएगा, कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेंगे। यहाँ पर थोड़ा देर वेट करेंगे तो इस तरीके से आपको पेज खुल करके आ जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है कि सेकेंड नंबर में जाना है। इसकी सारी डिटेल्स यानी इसमें बहुत सारे फंक्शन को दिए गए, ये सब जो है ये सब जो फंक्शन है बहुत सारे, इसमें आगे के वीडियो जो हम इन सारे फंक्शनों के बारे में बताएंगे कि ये आखिर होता क्या है। अभी आपको आरसी नंबर पता करने के लिए सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पर जाना है। यानी आपको ये सेकेंड नंबर ऑप्शन दिख रहा है, कनो योर एलिमेंट्री, आपको इस पर जाना है। तो सिंपली हमें यहाँ पर जानते हैं सेकेंड पर। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर अपना आधार सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको आधार नंबर से पता करना है, यानी आपको तो राशन कार्ड अभी मालूम नहीं है तो आपको आधार कार्ड संख्या यहाँ पर करना है। तो सिंपली हम आधार पर जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर व्यक्त कर लेना है, जो आपका आधार नंबर हो यहाँ पर आप आधार नंबर डाल लीजिए। आधार नंबर उनका डालिए जिसके एक काम मतलब कि राशन कार्ड आप में सबसे ऊपर एक फैमिली मेंबर होता है, यानी उन कहा जाए कि आपके घर के जो मुखिया होते हैं, या तो आपकी माँ का होगा या तो आपके पिता का होगा, यानी जिसका होगा उसी का यहाँ पर राशन कार्ड नंबर डालना, पहले आधार कार्ड का नंबर डालना। ऐसा नहीं कि आप किसी एक का नहीं डालेंगे, आप जो सबसे ऊपर आप देखिएगा टॉप में जो आपके राशन कार्ड होंगे आपके पास, तो टॉप में जिसका होगा उसका डालिएगा। या तो आप अपने माता का डाल सकते हैं, अगर माता पर नहीं होता है तो आप पिता का भी डाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जल्दी से हम अपना राशन का यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल लेते हैं। देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल चुके हैं। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी के कारण हम ढक दिए हैं, लेकिन हमने यहाँ पर अपना आधार कार्ड डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप एक नीचे में आपको एक सबमिट का ऑप्शन दिख जाता है यहाँ नीचे में, तो आपको सिंपली यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे थोड़ी देर वेट करते ही आपके एक न्यू पेज पर ले जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसीडिंग डाटा लिखते हैं, यहाँ पर आपको न्यू पेज को लिख देंगे। यहाँ से आपको जाना नहीं अभी, और इसमें देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो जिसकी खोज में थे आप राशन कार्ड का संख्या यानी आरसी नंबर वो यहाँ पर दिया रहेगा आपका, और इसमें और भी चीज़ दिए गए हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर सिर्फ आपने आधार कार्ड का संख्या डाला था, यहाँ पर आपको सारे चीज़ खुल करके आ गए। यहाँ पर आपको टाइप खुल कर आ गए कि कौन से टाइप का, जैसे राशन कार्ड का टाइप होता है AAY होता है, और इन पर दोनों में अलग अलग अनाज दिए जाते हैं। AY में क्या होता है कि आपके घरों में कितनी भी संख्या हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको 35 किलो अनाज दिए जाएंगे। लेकिन एक और कार्ड होता है PH करके, उसमें क्या होता है कि आपके घरों में सदस्यों की संख्या के हिसाब से आपको अनाज दिया जाता है, लेकिन AY में हमेशा आपको 35 किलो के लगभग अनाज दिया जाता है। ये एक सरकार की तरफ से अमाउंट यहाँ पर आपको एक वजन दिया जाता है। यहाँ पर आपको एक FPS ID मिल जाता है, यानी कहने का अर्थ हुआ कि एक आपको एक और ID यहाँ पर मिल गया है। आप देख सकते हैं FPS ID, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या मिल गया है, FPS ID, ये वाला FPS ID। एक और चीज़ यहाँ पर है कि आपको मंथली अप्रैल में आपको कितना अनाज दिया जाएगा, वो यहाँ पर आपको सारे विवरण खुलकर आ गए हैं। इसको आप पढ़ना चाहेंगे आपने भी पढ़ लीजिएगा, कब का है 2022 का, लेकिन इसमें आपको पीछे का चूज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा। जैसे कि अभी अप्रैल चल रहा है तो हमें मार्च में कितना दिया गया था और कौन से व्यक्ति ने जा करके उठाया था, इसमें कहीं पर उसका ऑप्शन नहीं है। लेकिन हमने जो पीछे के वीडियो में बताया था जिसका हम लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है,
उसमें क्या था कि आप कैसे वहाँ पर क्या था कि सब कुछ चेक कर सकते हैं, पिछला का अगला का कौन से व्यक्ति ने जाकर के उठाया, उसमें सारे विवरण थे। लेकिन यहाँ पर आपको विवरण शो नहीं हो रहा, लेकिन बस ये आपको दिखाई दे रहा है कि अप्रैल महीने में आपको कितने अनाज दिए जाएंगे, वो वहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। तो आई होप कि यह बातें आपको समझ में आई होगी, इसे और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसके बारे में जान पाएंगे। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।